रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में चले आ रहे कि खेत में बड़े बड़े कद्दू डले से बोले देखो तो परमात्मा भी कितना, मतलब परमात्मा ने क्या सृष्टि बनाई है महाराज बताओ तो, इतनी छोटी छोटी बोलन में इतने इतने बड़े कद्दू लटका दे, वहां में नन्हे चे डले फिर रहे, इनके लिए बहुत बड़े पेड़ होना चाहिए था, उस पर कद्दू लटकते अच्छा लगता। महाराज चला आए, रस्ते में आए, धूप थी महाराज, धूप थी तो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां ऊपर देखा बोले देखो तो भगवान ने बिल्कुल अकल नहीं, अरे इतने इतने बड़े बड़े कद्दू खेत में डारे और महाराज इतनी की तीक से आम गिलाने, इतनो बड़ो पेड़, अरे कद्दू लटकना था इस पेड़ में और जे आम लटकते खेत में जाते। जैसे इतना कहा महाराज लेट गए, नींद आई सो गए, हवा चली सो महाराज तीन चार आम मुड़ी पे गिरे, सो तुरंत कर लगे भगवान आप जो करत सही करत कन, आज कद्दू गिरते तो आज तो, इसलिए प्यारे परमात्मा जो करता है बढ़िया करता है, आदमी हारे भग गए थे दवाई किंचवे, भगवान ने कही अच्छा रुक जाओ हम किंचवा तुम्हारी दवाई, एक टेलर दिया सब जने आ गए, छिन्या वाय छिन्या लेके, बुकन्या वाय बुकन्या लेके, ढोरन वाय सब अपने अपने लेके, दवाई वाय अपने पछाई थैला टांग के आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज राजा जनक के दरबार में जैसे ही पहुंचे, सुखदेव महाराज ने प्रणाम किया महाराज और पत्र दे दिया, बोले मैं व्यास नंदन सुखदेव राजा जनक के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा जनक के पास जैसे ही पत्र पहुंचा, राजा जनक बोले जाओ और बालक से कहिए अभी आप इंतजार करें, हम कुछ दिन बाद मिलेंगे, अभी हम व्यस्त हैं। सुखदेव भगवान को एक अलग से स्थान दे दिया, वहां पर रहे महाराज। दो चार दिन हो गए, राजा जनक ने कहा जाओ देख कर आओ, वो महाराज को कोई चेहरे पर गुस्सा तो नहीं है। महाराज द्वारपाल गए देख कर आए, बोले महाराज जैसे पहले दिन थे वैसे ही आज हैं, बोले और रुकने दो। कई प्रकार से परीक्षा ली, जब सब परीक्षाओं में पास हुए तब जाकर लिख दिया आपका पुत्र उस योग्य है, आप उसको वो विद्या दे सकते हैं। आज जैसे ही सुखदेव भगवान आए, सुखदेव भगवान ने 18,000 श्लोकों का अध्ययन करके और श्रीमद् भागवत महापुराण को कंठस्थ कर लिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वक्ता का जन्म हो गया, आइए चलते हैं श्रोता के जन्म की कथा की ओर, राजा परीक्षित के जन्म की कथा की ओर महाराज चलते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध के उपरांत पूरे कौरव मारे गए, केवल अंत समय में एक केवल दुर्योधन मरणासन स्थिति में लेटा है महाराज। भीमसेन ने उसके मधु नंगनंग तोड़ दिए, मरणासन स्थिति में लेटा है, आज पुकार रहा है परमात्मा इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए। अश्वत्थामा गया, मित्र ये पीड़ा सही नहीं जा रही है, मित्र बताओ क्या करें हम। बोले मित्र यदि आप चाहते हो कि मैं आराम से मरूं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम हार गए, हम मर रहे हैं, इस बात का दुख नहीं है। बोले दुख इस बात का है कि मेरे 99 भाई मारे गए, लेकिन पांडव में से एक भी भाई नहीं मारा, 5 के 5 जिंदा हैं, ये दुख है। लोग बाग आजकल तुम्हारे अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख आप क्यों अच्छा खा पी रहे इसलिए दुखी है। बोले हम तो 2 की जगह चाहे 1 रोटी खा लें, लेकिन तुम्हें ना खान दे। महाराज आज बोले अश्वत्थामा यदि आप चाहते हो कि मुझे शांति मिले, तो आप पांडवों में से किसी एक का सिर काट कर ले आओ, मुझे शांति मिल जाएगी। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो आधा राजपाट में तुमको दे दूंगा। महाराज लालच बुरी बला, आज अश्वत्थामा को लालच आ गई। अश्वत्थामा गया, रास्ते में जा रहा है,
और रास्ते में उसने देखा रात्रि के समय कौवा एक जगह बैठे हैं, क्योंकि कौओं को रात में नहीं दिखता है, और एक उल्लू आया क्योंकि उल्लू को रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। उल्लू आया, उल्लू ने झपट्टा मारा और कौओं का शिकार कर लिया। वो बात अश्वत्थामा के मन में बैठ गई, हम सोते हुए पांडवों को मार देंगे। आज हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी समझ रहे हैं कि ये दुष्ट आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए पांडवों से कहा आओ, आज हम लोग जश्न की रात है, हम लोग युद्ध जीत गए हैं, आओ जश्न मनाते हैं, बाहर चलते हैं। और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सुला दिया और स्वयं हमारे ठाकुर जी पांडवों को बाहर लेके चले गए। अर्धरात्रि में आया अश्वत्थामा, तलवार को निकाला, खड़ग निकाली और एक ही बार में पांचों पांडवों के बालकों का सिर काट दिया, पांचों सिरों को लिया और दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र, अरे आप कहते थे एक पुत्र एक पांडव, मैंने पांच के पांच पांडवों को मार दिया। दुर्योधन कहता है महाराज, अरे मित्र, अरे जिसने एक गुरु द्रोण कर्ण भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं ने जिनका बाल बांका ना कर पाया, और आप तुमने एक बार में ही पांचों को मार दिया, कैसे मुझे यकीन नहीं है। बोले मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सर लेके आया पांच के पांचों के। बोले सर को उठाओ, और महाराज जैसी उठाया और हाथ में महाराज जैसी सिर को पकड़ा कि बच्चों के सिर कोमल होते हैं, महाराज जैसी दबाया कि सिर मिथल गए। आज आह की आवाज आई, अरे दुष्ट तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया, अरे आज तो हमारे कुल में कोई पानी देने के लिए नहीं बचा, तूने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। और महाराज उस कष्ट इतनी पीड़ा हुई कि आज अपने प्राणों का प्रत्याग कर दिया। जैसे ही द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी रो पड़ी महाराज कि गोदी के खिलौने मेरे टूट गए। कि गोदी के खिलौने मेरे टूट गए, गोदी के खिलौने मेरे टूट गए, गोदी के खिलौने मेरे टूट गए। कि हाय रे विधाता तुम क्यों रूठ गए, हाय रे विधाता तुम क्यों रूठ गए, गोदी के खिलौने मेरे टूट गए, गोदी के खिलौने मेरे। आज भगवान के सामने झोली को फैलाए, भगवान से भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कि हुआ क्या कसूर ऐसा कन्हैया हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा कन्हैया हमारा, चाहते हुए जो उनने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो हमें ना पुकारा, उल्फत का तार तोड़ा हमें मझधार छोड़ा, उल्फत का तार तोड़ा हमें मझधार छोड़ा, वो हम तो चले थे लेके बेटों का सहारा, बेटे हमारे हमसे छूट गए, बेटे हमारे हमसे गए, और कोई लुटेरा आके लूट गया, कोई लुटेरा
महाराज आज द्रुपदी महाराज चीखती है, हे परमात्मा मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो मेरे आज एक नहीं पांच पांच पुत्र, महाराज पांच पांच पुत्र मेरे सामने जिनका सर सर नहीं है केवल धड़ धड़ डला है, प्रभु ऐसा कौन सा मैंने पाप कर दिया। आज अर्जुन अपनी गांडी उठाते हैं, द्रौपदी चिंता मत करो जब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक मेरे अपने बालकों के हत्यार को आपके सामने पेश नहीं कर दूंगा। महाराज आज ठाकुर जी जिसके सारथी है उसको कौन क्या कर सकता है, ठाकुर जी की तरफ इशारा किया, ठाकुर जी रथ में बैठे और अर्जुन ने गांडी उठाया चल दिए। अश्वत्थामा महाराज भाग रहा है और जैसे ही भागा अश्वत्थामा कि पीछे से देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र को देखा अर्जुन कांपने लगा, गांडीव हाथ से नीचे गिर गया। भगवान कृष्ण से कहता है प्रभु कि कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्ति नाम भयंकर तुम्हें को दहा माना नव वर्गोशी संस्कृत है। हे कृष्ण हे कृष्ण हे प्रभु हे दीनदयाल हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र हमको जलाकर राख कर देगा प्रभु। भगवान कहते अर्जुन चिंता मत करो, ब्रह्मास्त्र का तोड़ तुम्हारे पास भी है। बोले क्या है, बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। अर्जुन ने ठाकुर जी का इशारा पाया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्र को विश्राम कर दिया। अर्जुन उतरे, उतरकर केशों को पकड़ा, रथ से बांधा और द्रौपदी के सामने ले आए। बोले द्रौपदी ये तुम्हारे बालकों का कातिल है, इसको जो चाहे वो सजा आप दे दो। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, अरे ये यदि इसको ये मर जाएगा तो इसकी माता किसके सहारे रहेगी, कृपी मैया किसके सहारे रहेगी, अरे गुरु द्रोण थे वो युद्ध में मारे गए, मेरे पति के द्वारा युद्ध में मारे गए, अरे अब तो कोई सहारा भी नहीं है, किसके सहारे रहेगी। बोले प्रभु इसको छोड़ दो। बोले छोड़ दो, अर्जुन कहता है देवी आप भले ही कहो लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन कहते हैं द्रौपदी तुम भले ही इसको छोड़ दो लेकिन मैं जैसे मैंने 99 भाई मारे हैं जैसे इसको भी मैं मार दूंगा, इसको भी मैं मारूंगा, ये भी 100 भाइयों में एक उन्हीं का भाई है, ये कौरवों का ही भाई है, इसको भी मैं मार दूंगा। अब तो महाराज कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो। ठाकुर जी की तरफ इशारा किया, बोले प्रभु क्या करना चाहिए। भगवान तो महाराज टेढ़ी टांग वाले हैं, इशारा कर दिया। बोले महाराज देखो यदि मेरे हिसाब से कहा जाए तो पहली बात ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, मतलब गुरु भाई है, गुरु भाई है तो गुरु भाई है इसको मारना नहीं चाहिए, गुरु पुत्र है तुम्हारा गुरु भाई भी है और ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण को गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए और महाराज आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जिसने बालकों की हत्या की हो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो महाराज उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो महाराज अर्जुन इशारा करते हैं प्रभु हमने तो आपसे सलाह मांगी थी कि आप उपाय बताओ, महाराज आपने तो हमें बीच में कर दिया खड़ा, ब्राह्मण को मानना नहीं चाहिए पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, महाराज क्या करें। आज भगवान कहते अर्जुन मैंने कुरुक्षेत्र में तुमको गीता का उपदेश दिया था, आज आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है, आज अर्जुन को याद आया अपमान यदि करना है किसी का तो उसको चरित्र यदि उसका बिगड़ जाए। मैंने प्रथम दिवस कहा था महाराज कि जो ऊंचे गिर से गिरे
मरे एक ही बार और जो चरित्र बल से गिरे सो बिगड़े जन्म हजार। महाराज सबसे कठिन जात अपमाना। आज केशों को महाराज कटवा दिया, सिर मुड़वा दिया, मस्तक पर जो मड़ी है महाराज उसको निकाल दिया और छोड़ दिया अश्वत्थामा को। आज जब इतना अपमान किया, अश्वत्थामा के साथ अभद्रता हुई, अश्वत्थामा महाराज पापी कभी सुधर नहीं सकता है। रास्ते में गया, देखता है अभी कौन बचा है, मैंने 5 बालकों को तो मार दिया, अब कौन बचा है। अरे मेरा अपमान किया है, मैं इसके घर में पानी पिलाने के लिए किसी को नहीं छोड़ूंगा। अचानक से याद आया, अरे अभी उत्तरा है ना जो अभिमन्यु की पत्नी, वो गर्भवती है, उस गर्भ को भी हम नष्ट कर देंगे। महाराज ब्रह्मास्त्र का फिर से प्रयोग कर दिया और वो ब्रह्मास्त्र जाकर उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। और यहां हमारे ठाकुर जी अपने घर को जाने लगे, महाराज द्वारका को जाने लगे। और जैसे ही भगवान ने एक कदम बढ़ाया कि महाराज उत्तरा दौड़ पड़ी पीछे से, आवाज लगाते प्रभु कि पाही पाही महायोगेन देव देव जगत पते नान्यं तो यद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परशिप्रम। महाराज हे प्रभु हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन जो हमारे गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है इसकी मुझे चिंता है। मैं भले ही मर जाऊं लेकिन इस वंश को नहीं मरना चाहिए, इस पांडवों के इस अंश को नहीं मरना चाहिए। आज भगवान ने कहा बेटी चिंता मत करो, अपने मन में वात्सल्य भाव लाओ। वात्सल्य भाव लाए, भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सब कुंती बुआ देख रही थी। कुंती बुआ ने जैसे ये सब देखा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देव की नंदनाय चाह नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। किन्नमः पंगज नाभाय नमः पंच जमाल ने नमा पंजने त्राए नमस्ते पंज जान्द्र है। हे प्रभु कोई आपको कृष्ण कहता है, कोई आपको बसदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है। महाराज कोई आपको नंदन नंदन कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है महाराज। लेकिन आज हम जाने और हम भी कितने मूर्ख थे कि आज तक तुमको अपने अपना भतीजे समझते आए, अपने भैया वासुदेव का पुत्र समझते आए। आज मुझे पता चला कि आप स्वयं परमात्मा हैं। भगवान कहने लगे अरे बुआ आप ही कैसी बातें कर रही हो, हम परमात्मा हैं। अरे आपके भाई वासुदेव के पुत्र हैं, हम परमात्मा कैसे हो गए। बोले प्रभु आप हमारे बालक बालकों के साथ आप जब जब कष्ट हुआ मेरे साथ रहे, आप लक्षरागृह में अग्नि से रक्षा की, महाराज जहर पिलाना चाहा आपने उससे रक्षा की, आप मेरे किसी के शिष्य गुरु बन गए, किसी के मित्र बन गए, किसी के सारथी बन गए, आपने हमेशा मेरे बालकों की रक्षा की और आज मेरी बहू मेरे पौत्र की आपने रक्षा की। प्रभु आप स्वयं परमात्मा हो, मैं मूर्ख थी जो आपको पहचान ना सके। आजकल लोगों को थोड़ा सा ज्ञान आ जाए लोग भगवान को, लोग क्या कहते, बोले हम भगवान हैं।
भगवान ने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। जितनी बार लोगों को संदेह हुआ कि ये भगवान है उतनी बार, क्योंकि भगवान जानते हैं कि भगवान की स्थिति बहुत खराब होती है। हाँ, घर में कमरा हो 25 लेकिन भगवान एक अलवाई में रखे रहते हैं। और एक भगवान नहीं रहता अलवाई में, महाराज रतनगढ़ जैसे सोने की फोटो, राम राजा जैसे सोने की फोटो, वैष्णो देवी जैसे सोने की फोटो, शीतला माता जैसे सोने की फोटो, और बई में रामायण रख दें, बई में पर्स रख दें, बई में आधार कार्ड रख दें, बई में और कहो तो राशन कार्ड रख दें, बई में कागज रख दें, महाराज सबके परिचय पत्र आधार कार्ड भगवान के लवाई में। और एक अद्दन और बताए। अच्छा ये बताओ, हम लोग ड्रामा आडंबर इतना करते हैं महाराज, हे भगवान ऐसो काम हो जाए गोपाल जी 1 किलो मिठाई चढ़ाए। अच्छा यहाँ पे जिसने आज तक 1 लड्डू 1 देवता के ऊपर मतलब चढ़ाया हो, पूरा 1 लड्डू रख के गया हो, वो हाथ खड़ा कर दो। और गौ को इतिक्षी चढ़ाओ छिटकी गोपाल जी को इतिक्षी, 1 लड्डू में पूरे देवता ने पट जाए महाराज, पूरे देवता आधो बचो ही रहे। वो कछु जने तो महाराज ऐसो फेंका था लड्डू कर उन्नो ना पहुंच पा रहा हूं, भगवान के मुंह में घले सी थे, तुम्हें को फेंक के खवाए तुम का क्यों है। इसलिए जी आडंबर ड्रामा करना बंद कर दे, ऐसी मिठाई उन्हें नहीं खाने, खुद के लाने तो कर 1 पूड़ी कम हो गई तो उन्हें खुआ नहीं, जब खुआने गुंजाश नहीं होती तो काय बुलाओ। तो इसलिए प्यारे जी आडंबर कर दें बंद, भगवान तुम्हारे इस 1 टुकड़े के भूखे नहीं है, भगवान को सामने। और देखिए प्रसाद उतना ही घर ले जाएं जितना प्रसाद होता है, नहीं तो महाराज 1 किलो मिठाई चढ़ाई और धरो थैला में उठाई मोटरसाइकिल घरे चले गए, फ्रिज में रख के 4 दिन खा रहे, क्या मतलब हुआ प्रसाद चढ़ाना। इसलिए प्यारे प्रसाद उतना ही ले जाएं, 1 या 2 लड्डू घर पे ले जाएं, बकाया सब वही बांट दें, क्योंकि प्रसाद का मतलब हम प्रसाद इतने अच्छे तो आप लोग हैं नैया के बिना मतलब के प्रसाद चढ़ा दें। जब 1 लाख को काम करवा लो, जब 100 रुपया को प्रसाद चढ़ाओ, ठीक है। तो प्रसाद हम हमारे कष्टों का अंत के लिए हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसके लिए आप प्रसाद चढ़ा रहे वही आप प्रसाद घर ले गए।